सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद के लोगों को सरकार ने परमिशन दी कि वो इस तरह का जुलूस निकालें, और जुलूस निकालने के बाद ये सब कार्रवाइयाँ हुई वहाँ पे, जो वायलेंस हुआ, जो आगजनी हुई, जो लोगों को मारा गया, और वो सब हुआ। जब तक के जालिम को ये नहीं पता लगेगा कि उसके जुल्म करने से उसका मकसद हल नहीं होगा बल्कि उसका नुकसान होगा, तब तक इस तरह के जुल्म आगे भी होते जाएंगे। इस तरह के लोगों को पब्लिक को सपोर्ट करना चाहिए, जो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं करते, जो बड़े बड़े नारे नहीं लगाते, बड़े बड़ी जो तकरीरें नहीं करते, जो वॉक द टॉक भी करते हैं। अगर वहाँ पे ज़रूरत थी जाने की तो गए, उनको अरेस्ट किया गया, अरेस्ट हुए, ऐसे अगर हमारे कायद हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ ये जुल्म रुक जाएंगे। अगर रिवायती जो कायद हैं, जो सिर्फ तकरीरें करते हैं, उन्हीं के पीछे कौम और मिल्लत खड़ी रहेगी, उन्हीं को बड़ा मानती रहेगी, तो ये जुल्म बढ़ते रहेंगे। हमें अपने नए लीडर्स चुनने की ज़रूरत है, जो सिर्फ तकरीरें ना करें, ज़मीन पे उतर के जो मजलूम हैं उनकी मदद करने के लिए भी तैयार। तो उनको ये समझना चाहिए कि CAA, NRC और NPR जो बुनियादी तौर पे है, वो सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि मुसलमानों से ज़्यादा SC ST और OBC के ख़िलाफ़ है। मगर हमारे जो दूसरे कायद थे, जिन्होंने इसके बारे में जो कम जो थोड़े बहुत पार्टिसिपेट कर भी रहे थे, उन्होंने हर एक इंसान ने, चाहे वो सो कॉल्ड सेकुलर लीडरशिप हो या हमारी मिल्ली लीडरशिप हो या पॉलिटिकल लीडरशिप हो मुस्लिम, उन्होंने सब में इनको मुस्लिम बना दूसरे किया, उससे नुकसान हुआ। तो त्रिपुरा दंगों के बाद दिल्ली से बहुत सारे डेलीगेशन त्रिपुरा गए और वहाँ पर जा कर के फैक्ट फाइंडिंग की हालात को देखा, जिस तरह से त्रिपुरा पुलिस और सरकार सिरे से नकार रही थी कि यहाँ पर कोई दंगा नहीं हुआ। लेकिन दिल्ली से जब टीमें गईं तो उसके बाद वहाँ के बहुत सारे दृश्य, वहाँ के फोटो सामने आए और उसके बाद ये स्पष्ट हुआ कि किस तरह से मस्जिद में आग लगाई गई है, लेकिन अभी तक पुलिस ये मानने को तैयार नहीं है। तहरीक फरोगे इस्लाम के अल्लामा गनी साहब और उनके साथ उनके तीन और सहयोगी वहाँ पर जा कर के जो फसाद ज़्यादा इलाका था उस जगह का दौरा करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उनको रोक लिया और उसके बाद उनको गिरफ्तारी हो गई और UAPA के तहत उनके ऊपर और उसके साथ ही IPC की कुछ धाराएं लगा करके सलाखों के पीछे डाल दिया गया। कल महमूद पराचा साहब ने वहाँ की कोर्ट में जा कर के इस मामले को लेकर के जिरह की कोर्ट में और उसके बाद कामयाबी मिली, चारों लोगों को कोर्ट से जमानत मिल गई। इसी पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद महमूद प्राचा, जो सीनियर एडवोकेट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। महमूद साहब, जिस तरह से आप कल वहाँ पर गए और जिरह की, तो किस तरह से इस पूरे केस को आप देखते हैं? कि बुनियादी तौर पे जो रवैया, जिस रवैये को गैरकानूनी और गैर आइनी कहना ही मुनासिब होगा, त्रिपुरा सरकार ने और त्रिपुरा पुलिस ने अपनाया है, वो एक फॉर्मूला है ऐसा जो गुजरात में इस्तेमाल हो रहा है और जो उत्तर प्रदेश में, गुजरात में हुआ, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और दिल्ली के जो हमले हुए, दिल्ली वायलेंस जो हुई उसमें भी इस्तेमाल हुआ है। उसका बेसिक फॉर्मूला ये है, जुल्म करो और मजलूम की आवाज़ दबा दो, ताकि जुल्म की शिकायत ना कर सके, ताकि जुल्म के बारे में कोई जान ना सके, और जुल्म करते जाओ, जुल्म के बारे में दुनिया जानेगी ही नहीं। ये एक फार्मूला है जो डेवलप हुआ गुजरात से और वो हर जगह इम्प्लीमेंट हो रहा है। यही काम कुछ त्रिपुरा में हुआ। तो त्रिपुरा में भी सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद के लोगों को सरकार ने परमिशन दी कि वो इस तरह का जुलूस निकालें, और जुलूस निकालने के बाद ये सब कार्रवाइयाँ हुई वहाँ पे, जो वायलेंस हुआ, जो आगजनी हुई, जो लोगों को मारा गया, और वो सब हुआ, जिसके सबूत बहुत सारे लोगों को जब वहाँ पता लगा तो गए भी, जर्नलिस्ट भी गए, इंटरनेशनल मीडिया भी गई, नेशनल मीडिया भी गई, और फैक्ट फाइंडिंग कमिटीज़ भी गई, और ये सभी जो हमारे मुल्क के बाशिंदे हैं उनकी ड्यूटी है, जो संविधान लगाता है कि संविधान की हिफाजत करने की जिम्मेदारी भी संविधान के मानने वालों की है। अब इसके बाद जो हर जगह होता है वही हुआ कि इस सब करा लिया, दहशत फैला ली और नफरत फैला ली, उसके बाद उसको बाहर नहीं आने देना, क्योंकि उसके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ना हो सके। चलिए, एक काम विश्व हिंदू परिषद को मिल भी गई परमिशन और उन्होंने कर भी दिया,
पुलिस ने क्या एक्शन लिया उनके खिलाफ, ये है बुनियादी बात जो हाईलाइट होनी चाहिए। पुलिस ने उनके खिलाफ आज तक कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि जो मजलूमों की हिफाजत करने और मजलूमों का दर्द बयान करने जा रहे हैं उनके ऊपर ही मुकदमे लगाए जा रहे हैं। तो कमोबेश ये त्रिपुरा में हुआ और ये आगे भी हो रहा है। तो किस तरह से आपने अपनी बात कोर्ट के अंदर रखी, क्योंकि UAPA जिस तरह से लगाया गया है और अभी 102 लोगों के खिलाफ भी लगाया गया सुप्रीम कोर्ट में, उसमें 3-4 लोगों को राहत ज़रूर दी है, तो इस इनको जमानत मिलने के बाद इस पूरे केस को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, इस पूरे केस को जब तक पूरे देश भर के लेवल पर इसकी मजम्मत नहीं की जाएगी, इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठेगी। कानूनी लड़ाई तो हम लोग लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इस तरह की कार्रवाई जो कि गैर आइनी, गैर संवैधानिक और गैर कानूनी है, उसके खिलाफ पूरा मुल्क आवाज़ उठाए, ख़ास तौर पे SC ST OBC और माइनॉरिटी उठाएं। कानूनी जो नुक्ते नज़र से मैं आपको बता सकता हूँ, जिस तरीके से इनकी गिरफ्तारियाँ हुई, ये गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट है और सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट है उन पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ, जिसको हम कंटेम्प्ट लगाएंगे भी अभी। मगर बुनियादी बात यह है कि सिर्फ कंटेम्प्ट लगाने से और काम नहीं चलेगा, इसके खिलाफ एहतजाज भी होने चाहिए, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होने चाहिए। जितने ज़्यादा प्रोटेस्ट होंगे उतना ही ये बात जो है सरकारों को ये पता लगेगा कि हम लोग इस तरह के काम करेंगे तो पकड़े भी जाएंगे, इस तरह के काम करने से फ़ायदा नहीं नुकसान होगा। जब तक के जालिम को ये नहीं पता लगेगा कि उसके जुल्म करने से उसका मकसद हल नहीं होगा बल्कि उसका नुकसान होगा, तब तक इस तरह के जुल्म आगे भी होते जाएंगे। और इन सब कामों में सब स्टेट्स में देखा जा रहा है, ख़ास तौर पर RSS और BJP रूल स्टेट्स जो हैं वहाँ पर पुलिस का गुंडों के तौर पर इस्तेमाल होता है। यही बुनियादी इसकी, यही त्रिपुरा में भी हुआ और यही बात हमने जज साहब के सामने भी आर्ग्यू की, जिसके बाद ये जमानते। तो आगे आप किसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि UAPA में एकदम तकरीबन 20 दिन के अंदर ज़मानत मिलना, 4 तारीख को इनकी गिरफ्तारी हुई थी, 23 को कोर्ट से ज़मानत मिल जाती है 19 दिन बाद, तो क्या कहीं ना कहीं कोर्ट को भी मालूम है, जिस तरह से हाई कोर्ट ने अपना आप ही स्लो मोटिव लिया था और इस पूरे केस को, दंगे के केस को वो देख रही है, तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है, त्रिपुरा पुलिस या त्रिपुरा सरकार भी एक्सपोज होती नजर आ रही। देखिए, पूरी त्रिपुरा पुलिस को कहना गैर मुनासिब होगा, लेकिन जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं त्रिपुरा में और यहाँ होम मिनिस्ट्री में बैठे और यहाँ दिल्ली केंद्र सरकार में भी बैठे, वो कुछ अधिकारियों को प्रयोग करते हैं इस काम के लिए। गलती उन अधिकारियों की है, गलती के खिलाफ उनके खिलाफ कानूनी एक्शन होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं होता तो उनके हौसले बढ़ते हैं और आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। तो और ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत जजेस भी, जब बताई जाती है पूरी बात तो जजेस भी इंसान होते हैं, प्राइमा फेशाई तो जो अखबारों में छपता है और जिस तरह की मीडिया है आप लोगों को सब पता ही है, वो ख़ास तौर पे मुलव्वज़ ही है इन सब RSS की और BJP की कारनामों में, तो वो जजेस के ऊपर भी इन्फ्लुएंस डालती है, वो भी मजलूमों को ही जालिम समझने लगते हैं। लेकिन जब बातें बताई जाती हैं डिटेल में तो जो अच्छे जजेस होते हैं उनकी समझ में भी आती हैं। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि इसका बड़े लेवल पे एहतजाज होने चाहिए, प्रोटेस्ट होने चाहिए, जब ही माहौल बदलने की ज़रूरत है, नहीं तो ये फार्मूला हर जगह इस्तेमाल होना ही होना है। लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है और मैं इस बात को और ऐसे कायदों को, ख़ास तौर पर हमारे जो मिली कायद हैं और जो पोलिटिकल कायद हैं, इस तरह के लोगों को, पब्लिक को सपोर्ट करना चाहिए, जो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं करते, जो बड़े बड़े नारे नहीं लगाते, बड़े बड़ी जो तकरीरें नहीं करते, जो वॉक द टॉक भी करते हैं। अगर वहाँ पे ज़रूरत थी जाने की तो गए, उनको अरेस्ट किया गया, अरेस्ट हुए, ऐसे अगर हमारे कायद हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ ये जुल्म रुक जाएंगे। अगर रिवायती जो कायद हैं जो सिर्फ तकरीरें करते हैं उन्हीं के पीछे कौम मिल्लत खड़ी रहेगी, उन्हीं को बड़ा मानती रहेगी, तो ये जुल्म बढ़ते रहेंगे। हमें अपने नए लीडर्स चुनने की ज़रूरत है जो सिर्फ तकरीरें ना करें, ज़मीन पे उतर के जो मजलूम हैं उनकी मदद करने के लिए भी तैयार। लेकिन देखने में तो ये आ रहा है कि जो अभी तक जो सो कॉल्ड जमातें हैं या उलमा इकराम हैं, वो जब इस तरह की बात आती है तो कहते हैं हमने वकील खड़ा कर दिया, केस लड़ रहे हैं, लेकिन सड़कों पर उतरने की आप बात कर रहे हैं, 3 साल से बिल्कुल सड़कें सुनसान हैं।
तीन साल से तो देखिए दो एक डेढ़ पौने दो साल तो कोरोना भी रहा, लेकिन अब तो कोरोना नहीं है, उससे पहले भी नहीं था, CA NRC के प्रोटेस्ट में भी नहीं था। जो बहुत से लोग CA NRC का प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं वो तो नहीं थे, CA NRC के प्रोटेस्ट में कहीं भी नहीं थे। और मैं तो अपना पर्सनल एग्जांपल भी दे सकता हूँ, किसी एक इंसान की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ, कि मुझे पूरे मुल्क में एक ही जगह डिटेन किया गया है, मैं सब जगह गया हूँ, और वो है हैदराबाद। कोई तो हमारी मदद करने नहीं आया हैदराबाद में, तो ये सच्चाई है। अब प्रोटेस्ट करने के लिए एक तो कोई, जैसे किसान आंदोलन की सफलता का सबसे बड़ा राज क्या, वो ये है कि वहाँ पे एक कोऑर्डिनेटेड टीम थी जो फैसले करती थी। जो शाहीन बाग के प्रोटेस्ट, जो CA NRC के प्रोटेस्ट थे, उनकी खूबी भी वही थी, जो उनकी कमज़ोरी थी वही उनकी ताकत भी थी। कमज़ोरी ये थी कि उसका कोई कायद नहीं था, और अगर कायद होते, जो एस्टेब्लिश कायद थे, तो शायद ये प्रोटेस्ट होते भी नहीं। कोशिश भी की हाईजैक करने, की मुसलसल कोशिशें हुई और उसमें कामयाबी भी मिली बहुत लोगों को, और वहाँ से नुकसान हुआ तो। मगर बुनियादी बात यह है कि अब अगर एक कोई लीडरशिप हो, ऐसी ग्रुप ऑफ लीडरशिप हो, जैसे किसान आंदोलन में थी, तो शाहीन बाग का प्रोटेस्ट, CA NRC के प्रोटेस्ट जो थे, जो सिर्फ और सिर्फ किसी ने उसमें कोई पैसे नहीं दिए, किसी ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, लोगों ने अपने आप ही किए, और बुनियादी तौर पे जो मुस्लिम ख्वातीन थी, ये उनका प्रोटेस्ट था, इसीलिए नॉन वायलेंट होने की गारंटी थी, तो उनका प्रोटेस्ट था बगैर किसी सेंट्रल लीडरशिप के। तो ये इसकी एक कमज़ोरी भी थी, अगर कोई सेंट्रल लीडरशिप करके होता, जैसे आज भी है, कुछ लोग कह रहे हैं प्रोटेस्ट होने चाहिए, तो पहले तो UP में प्रोटेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये तो सेंट्रल एक्ट है, इतना तो एक बच्चा भी जानता है ना, जिसको कानून की बहुत छोटी सी समझ है, ये तो पार्लियामेंट पे प्रोटेस्ट होना चाहिए ना। पार्लियामेंट पे प्रोटेस्ट करने का दूसरी चीज़ है, टाइम होना चाहिए कोई, अगर एक कमेटी बन के, जिन लोगों को अभी प्रोटेस्ट करने का शौक आ रहा है, जो पहले नहीं था शायद, तो उनको चाहिए कि आए पार्लियामेंट पे प्रोटेस्ट करेंगे हम लोग, हम भी चलेंगे, और हम उनकी क़यादत में चलेंगे, और उनको लगे कि लाठीचार्ज या गोली चलने वाली है तो हम लोग आगे हो जाएंगे, लेकिन हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन इस चीज़ के लिए एक चेन ऑफ कमांड होनी चाहिए, एक सेंट्रल लीडरशिप होनी चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए जो कि ये तय करे। एक इसके लेकर के एक बात कही जाती है बार बार मेरी, जब उलमा इकराम से बात होती है या जमातों के लीडरान से बात होती है या किसी सियासी लीडर से बात होती है, कहते हैं कि अभी ये वक्त नहीं है। जिस तरह से अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे तो दूसरी तरफ चला जाएगा मामला, और कहीं ना कहीं उसमें BJP ये चाहती है कि एक लंबा जो है लोगों को मारा जाए, काटा जाए, और उसमें कामयाब हो जाएगी, एक बहाना बार बार बनाया जाता है। देखिए हिकमत अमली, अगर ये 7 साल में ज़्यादा हुआ है जब से भी, हिकमत अमली अगर बुजदिली उसका सबब हो तो वो हिकमत अमली जो है वो गलत है, जहर है, क्योंकि उसका सबब कोई गोल हासिल करना नहीं, बल्कि अपनी बुजदिली की एक्सप्लेनेशन देना है, तो वो तो जहर है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हिकमत अमली होनी चाहिए, और ये तय होना चाहिए कि कब हो और कहाँ हो। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर जो हमारी मिल्ली तंजीमें हैं वो असल में ईमान वाली हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि CA NRC और NPR जो बुनियादी तौर पे है वो सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि मुसलमानों से ज़्यादा SC ST और OBC के ख़िलाफ़ है, जिस बात को हमने बहुत अच्छी तरह हाईलाइट भी किया, और जिसकी वजह से सरकार को हमसे सबसे ज़्यादा परेशानी भी है कि हमने ये कैसे हाईलाइट कर दिया कि मुसलमानों से भी ज़्यादा ये जो है NRC और NPR जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ है, OBC के खिलाफ है। और मगर हमारे जो दूसरे कायद थे जिन्होंने इसके बारे में जो थोड़े बहुत पार्टिसिपेट कर भी रहे थे, उन्होंने हर एक इंसान ने, चाहे वो सो कॉल्ड सेकुलर लीडरशिप हो या हमारी मिल्ली लीडरशिप हो या पोलिटिकल लीडरशिप हो मुस्लिम, उन्होंने सब में इनको मुस्लिम बना दूसरे किया, उससे नुकसान हुआ। तो अगर मिल्ली जो हमारे कायदीन हैं, जो अगर तो वो बहाना बनाने के लिए मसलहत बता रहे हैं तो अलग बात है, सामने आना चाहिए
और ये कहना चाहिए कि ये एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ है और मुसलमानों के भी खिलाफ है, इसलिए मुसलमान इसमें लीड रहे हैं अपने एससी एसटी भाइयों की, ओबीसी भाइयों की हिफाजत के लिए। तब हम देखते हैं कौन सा फ़ायदा हो जाएगा आरएसएस को और कौन सा नुकसान हो जाएगा हमें। तो ये बुजदिली की बातें हैं, ये इसमें कोई हिकमत नहीं है। इसके अलावा केस की अगर हम बात करते हैं, जिस तरह से इनको बेल मिली है और उसके बाद 102 लोग और हैं, बल्कि और बड़ी तादाद 110 से ज़्यादा पहुंच चुकी है, तो उनको किस तरह से इसके इनकी ज़मानत से फ़ायदा हो सकता है? देखिए, कम से कम अब एक ज़मानत मिली, सुप्रीम कोर्ट ने एक जो कोअर्सिव एक्शन के खिलाफ ऑर्डर किया उससे एक जो कहते हैं टेम्प्रेरी राहत होती है, लेकिन बेल से एक पक्की राहत है इसमें। और अब कम से कम हम ये भी हाईलाइट कर सकते हैं जाके कि पुलिस ऑफिसर्स ने क्या गैर कानूनी काम किए, उनके खिलाफ भी काउंटर एक्शन भी कर सकते हैं हम तो। लेकिन इनकी बहादुरी को मुझे सलाम करना चाहिए कि, और इनके कार करने के काम करने के तरीके को भी, ये लोग कोई छुप के नहीं गए, ये लोग वहाँ गए और सबसे पहले पुलिस स्टेशन गए और वहाँ के बाद ये सब जगह इलाकों में दौरा करने गए। जब इनके पास सबूत इकट्ठे हो गए तब एकदम भगदड़ मची और इनको फिर आके पकड़ने के लिए कहा तो इन्होंने मना किया, बल्कि ये कहा कि हम खुद ही आ जाएंगे, फिर ये खुद चल के पुलिस स्टेशन गए। तो ये बहादुरी का मुजाहरा जो है, हमारे बाकी जो भी मिली कायद हैं या पॉलिटिकल कायद हैं, उनको इनकी बहादुरी से और इनकी हिकमत अमली ये होती है कि इन्होंने आईन कानून के दायरे में रहकर पीसफुल तरीके से काम किया और इसी वजह से ऊपर से भी मदद आई और इसी वजह से इनकी बेल भी हुई है, क्योंकि ये छुपते छुपाते नहीं गए थे, बिल्कुल ये दर्राना गए थे, क्योंकि ये हर एक नागरिक का हक है कि सच्चाई लाए और दुनिया के सामने लाए। इसके अलावा इस पूरे केस को आप दिल्ली दंगों से किस तरह से रिलेट करते हैं, और ख़ास तौर से ज़मानत की अगर हम बात करते हैं, यूएपीए में कितना वक्त हो गया, 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, लोग काफ़ी तादाद में अभी तक सलाखों के पीछे हैं, इनको इतनी जल्दी बेल हो गई, उसमें बेल नहीं हो पाई, तो किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, बहुत सारी वजह तो ये भी है कि एक हमारी जो कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं है, इतने सारे मुलजिम हैं और वो उनके कोई वकील और हैं, कोई और हैं, कोई और हैं, तो एक कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं हो रहा, कोई एक जॉइंट स्ट्रेटजी नहीं, इसका एक सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ये भी एक वजह है। दूसरी वजह ये भी है कि इसमें जिस तरीके से माहौल था उस वक्त और जिस तरीके से बेगुनाहों को पकड़ा गया, तो उस वक़्त के हालात जो थे अलग किस्म के थे, लेकिन यहाँ ऊपर वाले ने भी मदद की और ये क्योंकि मिलने का आयत थे और ये सारे कानूनी तरीके से गए थे, तो ये इसमें बेनिफिट रहा। लेकिन बुनियादी वजह यही है कि एक हर चीज़ की एक जॉइंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अगर एक मुसीबत में है सब तो उनकी जॉइंट स्ट्रेटजी होती है तो बेटर रहता है, तो इसमें जॉइंट स्ट्रेटजी ना होने की वजह से भी नुकसान हो रहा है दिल्ली दंगों के केसेस में। मगर बुनियादी बात वही है कि जो उसकी खूबसूरती थी, ये इस बात को साबित करती है कि ये दंगे जो हैं, जो मुस्लिम लोगों को फंसाया गया है यूएपीए में भी या दूसरे केसेस में, उनके वकील इतने सारे हैं अलग अलग, अगर ये कोई एक जॉइंट स्ट्रेटजी या जॉइंट कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा होता तो उनके वकील एक ही होते। ये भी एक हमारी, इसको हम टाइम आने पे इस्तेमाल करेंगे इस आर्ग्यूमेंट को, मगर बुनियादी वजह यही है कि अरेस्ट होने के बाद भी कोई एक यूनिफाइड स्ट्रेटजी नहीं। शुक्रिया महमूद पड़ाचा साहब हमसे बात करने के लिए। एक बड़ी कामयाबी महमूद साहब को मिली है त्रिपुरा में जाकर के, जिस तरह से 4 लोगों को यूएपीए के तहत जिनको गिरफ्तार किया गया था दंगों के बाद जब वो पहुंचे थे, उसमें इन लोगों को बेल मिली है। लेकिन उसके साथ ही एक बात जो बार बार महमूद साहब कह रहे हैं कि कौम को और लीडरों को सड़कों पर उतरना होगा और इंसाफ के लिए गुहार लगानी होगी, ख़ासतौर से जिस तरह से दंगों के बाद यूएपीए के तहत दर्जनों लोगों को दिल्ली में भी गिरफ्तार किया गया और जगह जगह ये यूएपीए एक हथियार के तौर पर सरकार के ज़रिए, बीजेपी शासित राज्यों के ज़रिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसके खिलाफ सबको ज्वाइंट एफर्ट करनी होगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।